जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल बस्ती। आई एम मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता, योर कंप्यूटर टीचर। एंड टुडे वी विल डिस्कस द यूनिट थर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस ऑफ टर्म टू एग्जामिनेशन। So there are three units of computer science. First is computational thinking and programming. So this unit contains only data structures chapters, and in these chapters we will discuss about stacks only, because stacks is only part of the your term to examination. And unit second, that is computer network. Okay, so this chapters is a totally theoretical chapters, and I will discuss this chapter after DBMS. This chapter contains 10 marks, this unit contains 10 marks, and first unit contains, which is stack, it contains 5 marks only. And third chapters, which is database management systems, contains 5 chapters containing 20 marks. So overall your paper will be of 35 marks, which is based on theoretical. So now I am going to start third unit, database management system. So what we will learn today? So we are going to start database management system, which is a unit 3 and chapter 11, that is relational database. So what are the objective of today's video lecture? First we will learn about introduction of the database, purpose of database management system, and relational database model. So first of all, what is database? So a database may be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple applications. देखिए, जब जब बहुत बड़ा डेटाबेस होता है तो उसके लिए एक टेबल बनाने से काम नहीं चलता है, उसके लिए हमें मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अब टेबल्स का मतलब क्या है? टेबल्स contains rows and columns. Table contains information, data, field, all of these. So a database may be defined as a collection of interrelated data. ठीक है, इसका मतलब है कि एक दूसरे से एक टाइप का कलेक्शन होता है, एक डेटा का कलेक्शन होता है डेटाबेस, जो कि एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, और ये जो है मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज करने में हेल्प करते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि एक सिंगल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, मल्टीपल एप्लीकेशन आप इससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेटा इज सच स्टोर्ड सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच यूज द डेटा। ये जो डेटा स्टोर रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट में सिस्टम में, वो प्रोग्राम से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहता है। इट मीन्स मतलब ऐसा नहीं कि प्रोग्राम से वो इंटर मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ठीक है, आपको जब यूज करना हो तो आप उस डेटा को यूज कर सकते हो, नहीं यूज करना हो तो आप कोई जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप प्रोग्राम से डेटा का कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ठीक है, a common and control approach is used in adding new data and in modifying and retrieving existing data within a database. A common and control approach. Database इस तरह से डिजाइन किया जाता है, कुछ फील्ड्स को कॉमन बनाए जाते हैं, कुछ फील्ड को प्राइमरी की के फॉर्म में बनाए जाते हैं, कि हम एक उस प्राइमरी की से हम लोग जो है
एक टेबल का डेटा ना करके हम मल्टीपल टेबल्स के डेटा को एक्सेस करते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो और कंट्रोल अप्रोच होता है कि पूरा एक सेंट्रलाइज अप्रोच होता है कि हम पूरे जो हमारा डेटाबेस है उसमें कहीं भी कोई भी डेटा हमको जरूरत हो उसको हम लोग रिट्रीव कर सकें, उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकें, एक डेटा हम लोग क्रिएट कर सकें, ठीक है, इस टाइप का एग्जिस्टिंग डेटा में डेटाबेस में, ठीक है। तो ये जो है कंट्रोल अप्रोच आपको एक बेटर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सो एडीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिफर्स टू ए सॉफ्टवेयर, एक टाइप का एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, पाइथन पे काम करते हैं, एचटीएमएल पे काम करते हैं, ठीक है, जावा पे काम करते हैं, वैसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक टाइप का क्या है, सॉफ्टवेयर है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, जो कि स्टोरिंग डेटा को स्टोर करने के लिए, मेंटेनिंग डेटा को मेंटेन करने के लिए, एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस, और डेटाबेस को कैसे हमें यूटिलाइज करना है, कैसे हमें उसको उपयोग में लाना है, ठीक है। तो ये सब काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। ए डेटाबेस अलोंग विथ ए डेटा डीबीएमएस इज रिफर टू ए डेटाबेस सिस्टम। अगर कोई डेटाबेस है जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस सिस्टम है जो कि आपके डेटा को स्टोर करने में, मेंटेन करने में और उसको यूज करने में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेटाबेस, मतलब मेन पर्पज क्या है, क्यों हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं। सो द डेटा शुड बी एक्यूरेट, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज, यानी जो भी डेटा हमारा हमने यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब शुद्ध होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए डेटा में, ठीक है, पब्लिक नहीं होना चाहिए, और प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यानी कि प्रोटेक्टेड का मतलब है वो सुरक्षित होना चाहिए फ्रॉम द डैमेज, ठीक है। इट शुड बी ऑर्गेनाइज, या आपका इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए सो दैट डाइवर्स एप्लीकेशन विथ डिफरेंट डेटा रिक्वायरमेंट कैन एम्प्लॉय द डेटा। इस तरह से आपका डेटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि डाइवर्स एप्लीकेशन का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन विथ डिफरेंट डेटा रिक्वायरमेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप, जब देखिए डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन को डिफरेंट टाइप डेटा रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज वो है वो भी इम्प्लॉय कर सके डेटाबेस आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग जो है उसके लिए जो आपका डेटाबेस जो है उसको यूज करने में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ऐसा नहीं। डेटाबेस आपका जो है वो इजीली जो है मर्ज हो जाना चाहिए उसके अंदर, इस तरह का आपका डेटाबेस होना चाहिए। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन सभी प्रॉब्लम का के आंसर प्रोवाइड करता है, एज इट प्रोवाइड्स ए सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द डेटा, क्योंकि ये पूरा जो डेटा होता है उसको सेंट्रलाइज कंट्रोल करता है और डेटाबेस के प्रोग्राम प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, अभी ये फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट अभी वीडियो लेक्चर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, कोविड ओमिक्रॉन के बाद, तो इसलिए हम लोग जो है अभी हम लोग केवल बेसिक डेफिनेशंस हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग कल से हम लोग ऑनलाइन क्लास डिस्कस करेंगे, राइट। सो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल? इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स, दैट इज रोज एंड कॉलम, मतलब जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, आरडीबीएमएस होता है, उसमें डेटा हमारा जो होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, मतलब टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, राइट। टेबल्स आप लोग क्रिएट करते हो ना तो उसमें देखते हो ना रोज एंड कॉलम, उस तरह से डेटा हमारा मैनेज रहता है, डेटा हमारा कंजर्व रहता है, ठीक है। दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस, इसी टेबल्स को रिलेशन कहा जाता है, इसी टेबल्स को रिलेशन कहा जाता है। मान लीजिए मल्टीपल टेबल हमने बनाया, तो मल्टीपल टेबल जो है एक टेबल दूसरे टेबल से, दूसरा तीसरे से, यानी हर एक टेबल से रिलेट रहता है, तो उसको इसको रिलेशन कहा जाता है, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इसका मतलब पहला तीसरे से, राइट। इस तरह से मल्टीपल टेबल्स होते हैं, रोज
ए रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यूज। रो क्या होता है, टेबल में रो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज, जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसमें रिलेशनशिप शो करता है। सिंस ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप, इट इज जनरली रिफर टू यूजिंग द मैथमेटिकल टर्म रिलेशन। टेबल क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सच रिलेशनशिप, इट इज जनरली रिफर टू यूजिंग द मैथमेटिकल टर्म रिलेशन। राइट, आपने रिलेशन मैथमेटिक्स में रिलेशन जो पढ़ा है, ठीक है, ए का बी से रिलेशन है, सी का डी से रिलेशन, तो इस टाइप की सिचुएशंस है कि मतलब एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन होना, ठीक है। फ्रॉम विच द रिलेशनल डेटा मॉडल डाइवर्स इट्स नेम, ठीक है, जहाँ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है उसके नाम को डराइव करता है, ठीक है। कुल मिला के रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में यही है कि उसमें जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, और मल्टीपल टेबल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, और उसी में कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं, कुछ ऐसे फील्ड होते हैं टेबल्स में जो कॉमन होते हैं सभी टेबल्स में, ठीक है। उसी को हम लोग प्राइमरी की हम लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में। राइट, अब कुछ एग्जाम्पल्स रिलेशनल डेटाबेस के, जैसे कि मान लीजिए एक सैम्पल डेटाबेस की बात करें, तीन टेबल है हमारे पास, एक है इसका नाम है सप्लायर्स, एक है आइटम्स, एक है शिपमेंट्स, तीन टेबल्स हैं। सप्लायर्स वाले टेबल्स में तीन कॉलम है, एक सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम और स्टेटस सिटी, हमारे पास चार कॉलम है, ठीक है, सप्लायर्स में एक टेबल है, इस टेबल बनाया गया, इसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेबल्स है आइटम्स, आइटम्स टेबल में आइटम्स नंबर, आइटम्स नेम, प्राइस, आइटम का नंबर क्या है, आइटम का नेम क्या है और उसका प्राइस क्या है। शिपमेंट्स, शिपमेंट्स में सप्लाई नंबर, आइटम नंबर और क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, कितनी क्वांटिटी सप्लाई किया गया। अब ये देखिए आपके पास तीन टेबल्स हैं, पहले और दूसरे टेबल्स की अगर हम बात करें, सप्लायर्स और आइटम्स की बात अगर हम करें, तो उसमें देखिए उसमें आपका कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले और तीसरे टेबल में सप्लाई नंबर कॉमन है, पहले और तीसरे नंबर में सप्लाई नंबर, पहले और तीसरे में सप्लाई कॉमन हो गया, ठीक है, यानी पहला तीसरे से रिलेटेड हो गया, है कि नहीं। और तीसरा टेबल में जो आइटम नंबर है वो आइटम नंबर ये आपके दूसरे टेबल में है, तो तीसरा दूसरे से हो गया, यानी पहला टेबल तीसरे से हो गया और तीसरा दूसरे से हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि पहला दूसरा तीसरा आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, तो ये इसको कहते हैं रिलेशनल, मतलब जब रिलेशन एक टेबल का दूसरे टेबल से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, यानी हर एक टेबल का एक टेबल से रिलेशन अगर कोई बन जाए तो उसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आप लोग प्लीज आप लोग जो है घर पे बुक को रीड करिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, और हम इसके बाद रिलेशनल डेटाबेस को हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास जब होगा हम लोग कल के डेट में, तो हम लोग उसको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।